मुरादाबाद के थाना कटघट क्षेत्र के रामगंगा नदी में एक शव बहकर आ रहा था। वहीं रामगंगा नेशनल हाईवे पुल के पास जब मछुआरों की नजर रामगंगा नदी में बह रही बॉडी पर पड़ी तो पप्पू सैनी और मोनू सैनी ने रामगंगा नदी में छलांग लगा दी और बहकर जा रहे शव को बाहर निकाला। उसके बाद लोगों ने फोन कर थाना कटघर प्रभारी संजय कुमार को बताया। तुरंत ही संजय कुमार ने चौकी पीतल बस्ती इंचार्ज प्रबोध सिंह को फोन करके बताया। तुरंत ही वे घटना स्थल पर पहुंचे। साथ ही चौकी प्रबोध इंचार्ज पीतल बस्ती मौके पर पहुंचे और क्षेत्र के आसपास के लोगों को बुलाकर शव की पहचान कराने का प्रयास किया। काफी देर तक जब शव की पहचान नहीं हो सकी तो चौकी इंचार्ज पीतल बस्ती ने पंचनामा भर के शव को मोर्चरी के लिए भिजवा दिया। खबर लिखे जाने तक शव की पहचान नहीं हो सकी। जी, क्या नाम है आपका? पप्पू सैनी। हाँ पप्पू जी, ये काम कौन सी जगह है ये जहाँ पर खड़े हैं? ये कल्याणपुर घाटी रामगंगा कल्याणपुर घाट। अच्छा, ये जो बॉडी आ रही थी कहाँ से बहके आ रही थी? ये जो पुल के दौरे से देखी थी। कौन से पुल के दौरे? बाईपास रामगंगा। अच्छा, रामगंगा बाईपास के पुल के दौरे देखी। आप क्या कर रहे थे यहाँ पे? मैं पल्लीपार में बैठा था, मछली कांटे लेके। तो बहके आ रही थी ये बॉडी? आ रही, ऊपर से इन्होंने गर्दन काट रहे थे। मैं लाश जा रही है निकाल लो। हमने सोचा कि ब्लॉन्डा सुजेंद्र का डूबा हुआ है, कहीं अपनी बंदा ना हो। तो वहाँ से भागते भागते पैरते 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 1 किलोमीटर दूर जाकर पकड़ी। अच्छा, हाँ, पूरा थक चुके थे, बिल्कुल सांस नहीं, वैसे ही हो गई थी। पानी में भाजा और पैरे, कई पैर रखे भाज रहे, कई गोते मार रहे। जब जाकर ये पकड़ी कल्याणपुर घाट पर लगा दी। तो कितनी उम्र होगी लगभग आईडीए से? 22-23 साल। नई उम्र के ही लौंडा। क्या क्या पहने हुए है ये? कच्छे पहने हुए है और गले में उसके हनुमान जी की मूर्ति है। और शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है? शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। एक कला बन गया बाएं में।